गुड मॉर्निंग टू ऑल. माय सेल्फ डॉक्टर कुशागर दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर, स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इंदौर. टुडे द टॉपिक ऑफ वीडियो इज टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट एन इंडिकेटर मस्ट सेटिस्फाई इज दैट इट्स कलर चेंज मस्ट टेक प्लेस एज क्लोज एज पॉसिबल टू द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इंडिकेटर की क्या, इंडिकेटर को क्या करना चाहिए, इंडिकेटर को इक्विवेलेंस पॉइंट के पास बिल्कुल कलर को प्रोड्यूस करना चाहिए. सपोज द रिएक्शन बिटवीन एन एनालाइट एंड अ रिएजेंट इज जस्ट कंप्लीट व्हेन 20 ml रिएजेंट सॉल्यूशन इज एडेड. हमने देखा कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हुई है जब अपन ने 20 ml रिएजेंट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, 20 ml हमने ऐड करा तो भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई. इन अदर वर्ड्स द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज रीच्ड व्हेन 20 ml रिएजेंट सॉल्यूशन इज एडेड. हम ये भी कह सकते हैं भाई कि इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया, जब 20 ml सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया. इफ द इंडिकेटर यूज्ड फॉर दिस टाइट्रेशन शोज अ कलर चेंज व्हेन 20.1 ml reagent solution has been added, then there is a difference of 0.1 ml in the equivalence point and the actual point, and this difference of 0.1 ml is called the indicator error. अब हमने ये कहा कि भाई जो 20.1 ml हमने जब add किया तो indicator ने color produce किया. 20 जब हमने ऐड किया था तब कलर प्रोड्यूस नहीं, 20.1 ऐड किया तो कलर प्रोड्यूस हुआ. इसका मतलब क्या है, हमने क्या सोचा था 20 आना चाहिए था, आया कितना 20.1. तो ये जो 0.1 है ये क्या हुआ, ये इंडिकेटर एरर हुआ. द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर दिस टाइट्रेशन विल बी द वन विच विल शो अ कलर चेंज व्हेन एग्जैक्टली 20 ml रिएजेंट सॉल्यूशन हैज बीन एडेड. The choice of suitable indicator for an acid-based titration depend upon the nature of the acid and base involved. इस केस में जो सुटेबल इंडिकेटर होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, जो 20 ml रिएजेंट ऐड करने पर कलर प्रोड्यूस करे. तो हमको कौन सा इंडिकेटर चूज करना है, तो क्या है हमारी चॉइस इंडिकेटर की एसिड बेस हाइड्रेशन में. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एसिड एंड नेचर ऑफ द बेस इन्वॉल्व. जो भी एसिड और बेस इन्वॉल्व उनके नेचर पर डिपेंड करता है. So, the titration of a strong acid with a strong base. Now, अब हम consider करते हैं एक example, the reaction between HCl and NaOH. हमने देखा HCl and NaOH. HCl is a strong acid. NaOH is a strong base. So, titration of a strong acid, HCl, with a strong base, NaOH. Reaction क्या हुई? Na के साथ ये Cl हो गया, NaCl प्लस वॉटर, वॉटर निकल गया, H प्लस OH इज वॉटर, तो सॉल्ट एंड वॉटर प्रोड्यूस हुआ. सपोज वी टेक 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, हमने 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl लिया कोनिकल फ्लास्क में एंड ग्रेजुअली एडेड टू इट 0.1 नॉर्मल NaOH. इसमें धीरे 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 हमने 0.1 नॉर्मल NaOH का एड किया. एज द रिएक्शन प्रोग्रेस more and more H plus ion from HCl will combine with OH negative ion from NaOH. Consequently, the concentration of H plus ion will be goes decreasing, but the pH will go increasing. हमने धीरे धीरे इस NaOH को इसमें add करना start करा, तो क्या हुआ, इसका OH और ये HCl का H, H और OH मिलके क्या बनाते गए, वाटर प्रोड्यूस होता रहा. ये जो H मतलब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम धीरे धीरे कम होता गया, OH आते थे H प्लस को ले जाते रहे, धीरे धीरे H प्लस का कंसेंट्रेशन कम हुआ, ठीक है. लेकिन क्या हुआ, pH हमारा इंक्रीज हुआ. क्यों, क्योंकि ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH ऐड हो रहा है तो हमारा pH क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है. अगर हमारा यहाँ 1 था 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा है. व्हेन
exactly 50 ml NOH has been added, the neutralization reaction between HCl and NaOH is just complete. जब 50 ml पूरा NaOH ऐड कर दिया तो neutralization reaction complete हो गई. At this stage the reaction between mixture will be at this stage the reaction mixture will be neither acidic nor basic but will be neutral whose pH will be 7. इस स्टेज में क्या हुआ, जब ये पूरा NaOH NaOH 50 ml 50 ml HCl के साथ पूरा मिक्स हो गया, ठीक है, ये दोनों मिक्स हो गए. तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. जब सॉल्ट एंड वाटर बना है उस कंडीशन में जो हमारा पीएच है वो कितना है, न्यूट्रल है. हमारा पीएच कितना हुआ, 7. मतलब जब ये 50 ml HCl इस 50 ml NaOH के साथ मिक्स हो जाएगा, दोनों 50-50 मिक्स हो गए हैं, तो यहां पर क्या बचा, सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट एंड वाटर बचा, तो हमारा जो पीएच है वो पीएच कितना हुआ, वो हमारा हुआ न्यूट्रल. हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है यहाँ पे, ना तो ये रिएक्शन मिक्सचर अब एसिड रहा, ना ये रिएक्शन मिक्सचर अब बेस रहा. एसिड और बेस तो है नहीं, ये तो NaCl और वाटर है, ठीक है. तो उस केस में क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हो गया. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब इसका पीएच हमारा 7 हो गया. फ्रॉम द अबव कंसिडरेशन इट अपीयर्स दैट इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl with NaOH, the indicator must show a color change exactly at pH 7. मतलब अगर हम देखें तो इंडिकेटर को इस पीएच 7 पर कलर चेंज करना चाहिए था, है ना. मतलब हम तो यही कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इंडिकेटर शुड प्रोड्यूस द कलर. इसका मतलब इंडिकेटर को यहां पर कलर प्रोड्यूस करना चाहिए था. But this is a hurriedly drawn conclusion and it is not practically possible and it is not entirely correct. In order to know the suitable indicator for this titration, we must find out that how pH changes during the titration. अब अगर हम ये देखें कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, तो ये जो है ये हमारा theoretical भी हो सकता है, तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कैसे pH change होता है during the titration. So change in pH during the titration of a strong acid with a strong base. Now let us calculate pH at different stages of the titration of 50 ml of 0.1 normal HCl, 50 ml 0.1 normal HCl with 0.1 normal NaOH. Is the strength hai, normality, 0.1 normal, normality. Now pH before any NaOH is added. अब अगर हम बात करें कि जब हमने ये ब्यूरेट ऐसी रखी है, ये HCl ऐसा रखा है, अभी हमने एक ड्रॉप भी NaOH की ऐड नहीं करी, तब pH कितना था, कोई भी NaOH ऐड नहीं किया तब pH कितना. तो इन 0.1 नॉर्मल HCl इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली कुछ ऐड ही नहीं किया है हमने. H प्लस 0.1 ग्राम आयन पर लीटर, हमने नॉर्मलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, तो 0.1 ग्राम आयन पर लीटर ये हमारी H प्लस की नॉर्मलिटी है. 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 1/10 इज 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हमने इसको 1/10 लिख दिया. अब 1/10 को हम 10 इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा है बचपन से, हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम 1/10 को 10 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है. लॉग ऑफ एच प्लस, अब हमने इसका लॉग लिया तो कितना आएगा, लॉग ऑफ 10 माइनस 1 इसका लॉग लेंगे, H प्लस कितना है 10 माइनस 1 है, तो लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 माइनस 1, दोनों में लॉग लॉग ऐड कर दिया हमने. अब लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस x, लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस x, माइनस x ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू होता है माइनस x, तो लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1, ये फॉर्मूला है लॉग का. 10 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ रहेगा वो माइनस एक्स आएगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस वन. अगर ये माइनस टू होता तो यहाँ माइनस टू आता, माइनस थ्री होता तो माइनस थ्री आता, ठीक है. नाउ अब हम निगेटिव लॉगरिथम लेंगे, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, निगेटिव लॉगरिथम लिया हमने तो माइनस माइनस वन, तो वन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नर्स का रूल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त आपने भी पढ़ा होगा, दिस इज द रूल, मैथमेटिक्स रूल. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ऐसा सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो वन आ गया, तो पीएच इज इक्वल टू वन, ठीक है. अब पी कैसे आ गया,
माइनस लॉग को हम रिटर्न करते हैं एज अ पी, माइनस लॉग को हमने पी लिखा, ये एच है इज इक्वल टू वन। इसको फिर से देखते हैं, यस बिफोर एनी एनर्जी एडेड, हमने कोई एनर्जी एड नहीं किया है, हम उस तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी एड नहीं किया। यहाँ का पीएच कितना है, हम कहते हैं भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कितना पीएच है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो हमने क्या किया एच प्लस इज इक्वल टू 0.1 ग्राम आयन पर लीटर, ये 0.1 यहाँ लिख दिया। 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, मैक्सिमम बड़ा है, और 1/10 को हम 10^-1 लिख सकते हैं। अब हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ एच प्लस, तो लॉग ऑफ माइनस 10^-1 फॉर्मूला है लॉग का, 10^-x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ x की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ 2 होता तो -2 आ जाता, -1 है तो -1 आया। निगेटिव लॉगरिथम किया, माइनस लॉग ऑफ दिस एच प्लस इज इक्वल टू, इसके आगे भी माइनस लगेगा, इसके आगे अगर हमने माइनस लगाया तो -1 के आगे माइनस लगा तो हमारा आ गया 1, +1 है तो पीएच इज इक्वल टू 1, तो हमारा पीएच हो गया 1, ठीक है। अब हमारा क्योंकि हमने इस लॉग को हम माइनस लॉग को हम पी लिखते हैं तो पीएच इज इक्वल टू 1। अब पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ 10 ml NaOH, अब हमने 10 ml NaOH को ऐड किया, यहाँ पे अब हमने 10 ml NaOH ऐड कर दिया, ठीक है, ये 50 ml था इसमें 10 आ गया, तो कितना हो गया वॉल्यूम पूरा, कितना हुआ 60 ml हो गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है। 50 ml हमारा HCl था, उसमें से 10 ml NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर बना लिया, 50 में से 10 चला गया, कितना बचा 40। pH after addition of 10 ml NaOH, 10 ml हमने NaOH ऐड किया, 40 ml acid is left unreacted, 40 ml acid तो unreacted रह गया, and total volume become 60 ml, total volume हमारा 60 ml हो गया, total volume 60 ml हो गया नीचे, और इस HCl, ये जो हमारा HCl 50 था इसमें से 10 इसके साथ react कर गया तो बचा 40। तो normality कैसे निकालेंगे, N1V1 is equals to N2V2 एंड HCl into 60, HCl की normality निकालनी है, तो normality of HCl into 60 ने volume, अभी हमने देखा यहाँ पर 10 ऐड हुआ तो हमारा volume 60 हो गया, is equals to 40 into 0.1, 40 क्यों, क्योंकि ये unreacted है, 40 हमारा बचा, तो volume हमारा 40 into 0.1 जो है हमारी normality है NaOH की। तो जब हमने तो normality of HCl, so normality of HCl is equals to 40 into 0.1 / 60, अगेन मैथ्स का रूल, ये तो डिनोमिनेटर पे चला जाएगा तो हमारा आया 0.0667, और सो पीएच जब हम इसका निकालेंगे, इसका माइनस लॉग लेंगे, सेम ऐसा ही करेंगे तो हमारा पीएच आएगा 1.18, 1 पीएच था, 10 ml ऐड किया 1.18 हुआ। अब pH after addition of 20 ml of NaOH, हमने 20 ml NaOH ऐड कर दिया, तो unreacted कितना बचा 30.1 और total volume कितना हो गया 70, इसका निकाला 1.37। pH after addition of 50 ml NaOH, 50 ml हमने NaOH ऐड किया तो pH हमारा था 7, neutralization हो गया, जब हम 50 ml ऐड करेंगे तो reaction just complete होगी, neutralization हो जाएगा तो हमारा pH 7 हो जाएगा। pH after addition of 50.1 ml NaOH, अब हमने 50.1 ml NaOH ऐड किया, पूरा 50 खत्म हो गया तो 50.1 ml NaOH एडेड, सो तो 50 ml इज यूज इन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड एंड 0.1 ml इज प्रेजेंट इन एक्सेस, 50 ml तो पूरा है, दोनों खत्म हो गए, 0.1 ml हमारा एक्सेस में है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 100 ml है, या हम ये कहें कि 0.1 नॉर्मल NaOH डाइल्यूट हुआ 100 ml तक, तो नॉर्मेलिटी कितनी हुई 0.1 into 0.1/100, 0.1 क्यों है वॉल्यूम है हमारा, 0.1 एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ये 0.1 हमारी नॉर्मेलिटी है, अपॉन 100 हमारा वॉल्यूम है, ये भी हमारा वॉल्यूम है, तो हमारा आंसर आया 10^-4 नॉर्मल, 10^-4 नॉर्मल। अब द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इन द टाइट्रेशन मिक्सचर इज नाउ 10^-4 नॉर्मल, अब अगर हम कहें कि हमारी जो नॉर्मेलिटी है वो 10^-4 नॉर्मल है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जब हमारा OH डोमिनेंट है ना, तो OH निगेटिव इज इक्वल टू 10^-4, ये तो हमारा 10^-4 आया,
एच प्लस इंटू ओ एच निगेटिव, ये हमारा है 10^-14। कैसे 10^-14 है? जब हम वाटर का आयनाइजेशन करते हैं तो उसका जो आयन प्रोडक्ट होता है उसको के डब्ल्यू कहते हैं, और के डब्ल्यू की वैल्यू होती है जब हम एच को मल्टीप्लाई करते हैं OH से, मतलब वाटर का देखते हैं, तो वो 1 × 10^-14 होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एच को OH से तो हमारा आंसर आएगा 10^-14, क्योंकि के डब्ल्यू इक्वल टू 10^-14 होता है। अब इसमें हम इसको पुट करेंगे, सो एच प्लस इज इक्वल्स टू 10^-14 अपॉन ओ एच निगेटिव, वही मैथ्स का फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो 10^-14 अपॉन ओ एच की वैल्यू कितनी है? 10^-4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 10^-14 इंटू 10^4, ये ऊपर गया तो प्लस में हो गया, तो हमारा आंसर आया 10। टेन टू दी पावर माइनस टेन, तो दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू 10, तो हमारा पीएच आया 10। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक बार और गो थ्रू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइट्रेशन किया, ब्यूरेट में NaOH फिल्टा 0.1 नॉर्मल, उसकी नॉर्मलिटी की थी। कोनिकल फ्लास्क में HCl फिल्टा 50 ml, कितना ml? 50 ml HCl, नॉर्मलिटी कितनी हुई? 0.1। हमको नॉर्मलिटी एक जैसी लेनी होती है, अगर हमने NaOH की 0.1 ली है तो HCl की भी 0.1 लेना है, NaOH की 0.5 लेंगे तो HCl की भी 0.5। ओके, तो नॉर्मलिटी एक जैसी है, 0.1 नॉर्मल। 50 ml हमने HCl लिया, उसको हमको NaOH से टाइट्रेट करेंगे। सबसे पहले pH कैसे चेंज होगा? हमने NaOH को, ये NaOH, हमने NaOH को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, NaOH ऐड नहीं किया है, नीचे 50 ml हमारा HCl है, हमारा HCl 50 ml है। ठीक, तो अगर हम HCl का देखें कितना pH होगा, H प्लस 0.1 नॉर्मल हमने लिखा है, 0.1 नॉर्मल, 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं एज पर मैथमेटिक्स, 1/10 को हम 10^-1 लिख सकते हैं एज पर मैथमेटिक्स। सो अब अगर हम इसका लॉग लेंगे तो हम लॉग 10^-1 का भी लेंगे, एच प्लस इज इक्वल्स टू 10^-1, तो लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10^-1। लॉग का एक फॉर्मूला है, लॉग 10^-x, लॉग 10^-x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, जो भी यहाँ आपका नंबर रहेगा वो वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ नंबर कौन सा है? -1, तो हमारा वैसा का वैसा उठ के -1 यहाँ आ गया। निगेटिव लॉगरिथम लिया, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यहाँ माइनस लगाया तो इस के आगे भी माइनस लगेगा, तो देखो यहाँ इसके आगे भी माइनस लगाया, -1 हो गया। ठीक है, तो माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू आया 1। अब माइनस लॉग जो है इसको हम लिखते हैं पी, तो ये हो गया पी एच इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किया तो कोनिकल फ्लास्क में पीएच कितना था? हमारा पीएच है 1। ठीक है, अब भाई हमने स्टार्ट करना पड़ेगा टाइट्रेशन, अब हमने 10 ml NaOH को एड कर दिया, इस NaOH में से 10 ml इसमें एड किया। ठीक है, HCl कितना लिया था हमने? 50 ml, ये 10 ml हमने इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल नीचे वॉल्यूम कितना हो गया? 60 ml, 50 में 10 हो गया तो 60 ml, तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया नीचे? 60 ml। ठीक है, अब हमारा HCl कितना था? 50, NaOH आया उसने उस, ठीक है, 10 ml NaOH आया तो उसने बोला HCl तुम भी 10 ml आ जाओ, मैं जितना आऊंगा तुम भी तो इतने आओगे तभी तो रिएक्शन होगी, तो 10 ml NaOH आया तो उसने 10 ml HCl को बुला लिया, तो 10 ml HCl चला गया, कितने में से? 50 में से, कितना बचा? 40, तो यहाँ आ गया 40, इसलिए लिखा है 40 ml एसिड इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, 40 ml एसिड अभी भी बचा हुआ है, तो 10 ml ही गया है, 40 अभी भी है नीचे, मतलब एसिड अभी भी है,
मतलब पीएच अभी एसिडिक ही रहेगा क्योंकि नीचे एसिड ज्यादा अमाउंट में है। NaOH तो 10 ही आया था, उसने 10 ml एसिड को ले गया, अभी भी 40 ml एसिड बचा है, मतलब अभी पीएच क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अपन देखते हैं, सो HCl की नॉर्मलिटी निकाली, N1V1 N2V2, N1 कौन है हमको पता करना है, V1 कौन है 60, यहां 50 था 10 आ गया 60, 40 V2 कितना है 40, क्योंकि 40 बचा हमारा HCl बचा है 40 है ना, और नॉर्मलिटी कितनी थी 0.1 नॉर्मल है NaOH, NaOH की नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 40 × 0.1/60, ठीक है। तो यह आया, इसका जब हमने लॉग लिया इसका तो हमारा आंसर आया 1.1 है, इसका मतलब पहले 1 पीएच था, जैसे ही हमने थोड़ा 10 ml NaOH चेक किया पीएच 1.18 चला गया, मतलब पीएच किसकी तरफ जा रहा है, अल्कलाइन की तरफ मूव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब हमने 20 ml NaOH चेक किया, NaOH आया 20 ml, नीचे कितना HCl था 50, ऊपर से 20 आया तो कितना हो गया वॉल्यूम 70, तो वॉल्यूम कितना हो गया 70, HCl कितना था 50, NaOH कितना आया 20, तो 20 NaOH ने 50 वाले से कहा HCl से भाई 20 बाहर आ जाओ, लड़ाई करेंगे ना, तो 20 लोग बाहर आ, हम 20 अपने लेकर आए बंदे, तुम भी अपने 20 बंदे लेकर आओ, ठीक है। तो उस 50 में से 20 चले गए, कितने बचे 30, तो 30 × 0.1, ये 0.1 क्या है NaOH की नॉर्मलिटी है, 0.1/70 0.0428, ठीक है। तो पीएच कितना हुआ 1.37, इससे कैलकुलेट कर लिया हमने तो हमारा पीएच आया 1.37, 1 था 1.8 हुआ 1.18 फिर 1.37 हो गया। अब पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ 50 ml NaOH, अब NaOH पूरा 50 ml आया, ठीक है 50 ml NaOH आया, नीचे जो हमारा HCl था वो भी 50 ml था, पूरा 50 ml NaOH उस पूरे 50 ml HCl के साथ मिक्स हो गया, नीचे एसिड बचा, नीचे बेस बचा नहीं, ना तो नीचे एसिड बचा है ना तो नीचे बेस बचा है, वो तो दोनों मिक्स हो गए हैं, उन्होंने क्या बना लिया सॉल्ट एंड वाटर, तो हमारा पीएच कितना हो गया, पीएच हमारा हो गया 7, क्योंकि ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, दोनों तो मिक्स हो गए, ना तो NaOH नीचे है ना HCl नीचे है, तो हमारा पीएच कितना हो गया 7, ठीक है। तो जब पूरा 50 ml NaOH पूरे 50 ml HCl के साथ मिक्स होता है तो पीएच कितना हो जाता है 7, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब कलर तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, नो कलर प्रोड्यूस, अब हमने पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ 50.1 ml NaOH, अब हमने 0.1 ml NaOH और ऐड कर दिया उस कोनिकल फ्लास्क में, HCl तो नीचे है ही नहीं, 0.1 ml NaOH ऐड किया, तो जब हम NaOH ऐड करेंगे नीचे HCl नहीं है एसिड नहीं है तो पूरा क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, सब में OH 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 आ जाएंगे, H तो है नहीं सब जगह OH 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 फैल जाएंगे, तो पूरा बेसिक हो जाएगा, एनवायरमेंट हमारा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम इज अप्रोक्स 100 ml, हम 100 ml मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 100 ml है, ठीक है, 0.1 × 100 ml, 0.1 ml NaOH किस में डिजॉल्व हो गया है 100 ml में, नीचे 100 था, पूरा 50 NaOH पूरे 50 HCl के साथ मिल गया, वॉल्यूम कितना था 100 था, 0.1 ml हमने ऐड कर दिया ऊपर से, ठीक, तो वॉल्यूम कितना था 100 था, 0.1 हमने ड्रॉप डाली है इनटू 0.1, तो नॉर्मलिटी चल ही रही है, तो हमारा आंसर आया 10^-4 नॉर्मल, अभी पीएच नहीं निकला है ये एंड नॉर्मलिटी निकली है 10^-4 नॉर्मल, ठीक है। तो OH कितना आया, OH कितना हो गया हमारा 10^-4, एसिड तो है नहीं वहां पर, वहां तो सिर्फ OH बचा है, NaOH ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा एसिड तो खत्म हो चुका है पहले जब 7 पीएच हुआ था, तो बचा क्या है OH, तो OH कितना हो गया 10^-4। अब एक आयनाइजेशन का वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है जिसको हम जो एक आयन प्रोडक्ट कहते हैं KW, KW आयन प्रोडक्ट होता है,
जो H प्लस और OH नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन होता है, जो आयंस का प्रोडक्ट होता है वाटर का, उसको KW कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻¹⁴। तो नीचे वाटर तो है, अपन ने जब 50 ml NaOH 50 ml HCl के साथ मिल गया तो नीचे क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। कोनिकल फ्लास्क में क्या रहा, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर का भी तो अपना एक आयन प्रोडक्ट है, तो हमने वाटर का आयन प्रोडक्ट लिया H प्लस इंटू ओ एच निगेटिव, ये होता है 10⁻¹⁴, ये फिक्स है 10⁻¹⁴। ठीक है, अब H प्लस इज इक्वल्स टू 10⁻¹⁴ अपॉन ओ एच, फिर वही मैथ्स का एक लॉ अप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन में था तो ये डिविजन में आ गया, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हमने मैथ्स का लॉ अप्लाई कर दिया, तो H प्लस इज इक्वल्स टू 10⁻¹⁴ अपॉन OH निगेटिव। OH निगेटिव की वैल्यू कितनी है, 10⁻¹⁴ है। अब जब मैं इसको उठाकर यहाँ ले जाऊंगी, फिर मैथ्स का लॉ आएगा, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻¹⁴ इंटू 10⁻¹⁴ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला गया है, जब कोई निगेटिव 4 लिखा है जो ऊपर जाता है तो वो प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया, 14 में से 4 गया आया -10, और जब हमने इसका पीएच निकाला तो हमारा पीएच आया 10। ये कैसे आया, ये आया हमारा 10, ये यहां से ये जो ये था ये कहीं यहां अप्लाई हुआ -10, तो ये हो गया -10, माइनस लॉगरिथम लिया तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो ये है हमारा चेंज ऑफ पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी है, यहाँ वीक कोई नहीं है, अभी हम दोनों स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। NaOH प्लस HCl दोनों पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं वॉटर में, अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियोस में। ठीक है, तो भी बेटर नो कि एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक की बात नहीं करी है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड थे और स्ट्रॉन्ग बेस थे। सो ये है हमारा पूरा चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड। पॉइंट वन लिए थे हमने दोनों, और दोनों में ये चेंज आया। देखें अगर हम ध्यान से, तो पहले पीएच 1 था, जब कुछ भी एडिशन नहीं हुआ, फिर 1.18 हुआ, थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर 1.37 हुआ, फिर 7 हुआ, न्यूट्रल की चला गया, इसके बाद वो हो गया है 10, मतलब बेसिक, अब वो बेसिक पीएच पे चला गया, क्यों, क्योंकि ऊपर से NaOH पूरा OH OH है, तो वो पूरा बेसिक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।